कारक एवं विभक्ति में प्रथमा विभक्ति है, जिसमें सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह स्वतंत्र कर्ता होता है। उदाहरण से देखिए, यथा जैसे सोना पठन, सोहन पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ना जो क्रिया है वह सोहन कर रहा है, सोहन करता है, इसलिए सोहना में प्रथमा विभक्ति लगी है। इसको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब हम बदलेंगे तो मोहना पठति, मोहना पठति कर्तृवाच्य में है जिसमें कि कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में मोहनेन पठते हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है और जो क्रिया होती है वह आत्मनेपद में चलने लगती है। फिर है भाववाच्य, भाववाच्य में रामेण पठते है जिसमें कोई क्रिया नहीं रहती है, कर्म नहीं रहता है, वह भाववाच्य होता है। रामेण पठते, राम पुस्तक पढ़ रहा है, उसका कोई कर्म आधार नहीं है, इसलिए वह भाववाच्य है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है और जो धातु होती है वह आत्मने पद की लगती है, न कि परस्मय पद की। आगे आपका है प्रतिपादिकार्थम लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। परिमाण प्रतिपादिकार्थम लिंग परिमाण मात्रे का अर्थ हुआ, परिमाण का अर्थ हुआ सार्थक शब्द। कह रहे हैं प्रत्येक शब्द स्वभावतः अपना कुछ निश्चित अर्थ अवश्य रखता है जो कि प्रतिपादिकार्थ कहलाता है, किंतु उस अर्थ को प्रकट करने के लिए उस सार्थक शब्द के आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि संस्कृत व्याकरण की मान्यता के अनुसार कोई भी सार्थक शब्द तब तक प्रयोगार्थ नहीं बन सकता जब तक कि उसके आगे कोई विभक्ति या प्रत्यय न लगा दिया जाए। तो कहने का मतलब है जो प्रातिपदिक अर्थ होगा जिसमें लिंग परिमाण माने मात्रा और वचन होता है उन उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। किसी शब्द का नियम अर्थ बताने के लिए, लिंग मात्र का बोध कराने के लिए, परिमाण यानी मात्रा वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे तटह तटी तटम, यह क्या है? लिंग है, लिंग है, तटह लिंग है, तटी स्त्री लिंग है और तटम नपुंसक लिंग है। यहाँ पर लिंग जहाँ होता है, जहाँ आपको स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग को अलग करना है, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरा है द्रोणो ब्रीहि, परिमाण मात्र में, द्रोणो माने परिमाण, जहाँ पर किसी चीज़ की मात्रा हो, जैसे मुट्ठी भर चावल देता है तो मुट्ठी भर क्या हुआ? एक परिमाण हुआ। तो जहाँ पर मात्रा रहेगी, कोई परिमाण होगा, जैसे वहाँ पर आपका प्रथमा विभक्ति लगेगा। द्रोणो ब्रीह में आपका प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है। द्रोणो माने होता है परिमाण, जैसे वह गेहूँ देता है कितना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो यह क्या हुआ? परिमाण हुआ यानी मात्रा हुआ। तो इस अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति में आपको बताया जा रहा है किस तरह उसका प्रयोग किया जाता है। और आता है वचन मात्रे, जहाँ वचन बताना रहता है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एका दो बहवा, ये वचन मात्र में है तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपके कोर्स में फिर द्वितीय प्रथमा विभक्ति का यहीं तक प्रयोग होता है, इसके पश्चात आप द्वितीय विभक्ति पर ध्यान दीजिए।